आज हम बात करेंगे ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी और स्लाइडर प्रॉपर्टी की। ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी में हम ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शंस में, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में उसको रोटेट कराएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्लाइडर बना रहा हूँ। विजार्ड में जाकर वर्टिकल स्लाइडर मैंने चूज़ करा और उसको टैग नेम दिया एस फॉर स्लाइडर। अब मुझे ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए एक सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट चाहिए। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा, उस पर डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पे क्लिक किया तो एक्सप्रेशन या टैग नेम में आपको स्लाइडर का टैग नेम देना है, जो मेरा था एस। यहाँ पे सी सी डब्ल्यू का मतलब होता है काउंटर क्लॉकवाइज और सी डब्ल्यू का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो आपको जिस भी डायरेक्शन में रोटेशन कराना है और जिस एंगल से कराना है वो आपको यहाँ पे देना होगा। अगर मुझे क्लॉकवाइज चलाना है 360, 180 या 270 तो वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। और ये मेरी वैल्यू रहेगी स्लाइडर की। जब स्लाइडर ज़ीरो पर है तो 0 डिग्री रोटेशन होगा, मतलब कि कोई रोटेशन नहीं होगा। और जब स्लाइडर 100 पे होगा तो मेरा 360 रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे एक्स और वाई पोजिशन से, और वो अभी मैंने 0 0 सेट कर रखी है। 0 0 का मतलब होता है कि आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर पॉइंट से रोटेट करेगा। इसको रन टाइम में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो, जब मैं स्लाइडर को 100 की तरफ लेके जाऊंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 360 मूव करेगा। ये थी आपकी ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी सेंटर पॉइंट 0 0 से। ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको बॉक्स की विथ और हाइट पता होनी चाहिए। हर बॉक्स की विथ और हाइट को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे। इसमें ऊपर की तरफ माइनस के वाई होता है और नीचे की तरफ प्लस का वाई, बाकी एक्स की पोजीशन सेम होती है। राइट हैंड पे आपका पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड पे आपका नेगेटिव। तो एक्स और वाई का फॉर्मूला होता है विड्थ अपॉन टू और वाई का फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन टू। ये एक्स और वाई किसी भी ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जिस पर आपको ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है। तो नॉर्मली हम चेक करते हैं कि हमारा जो बॉक्स है उसका एक्स और वाई कितना होगा। वो डिपेंड करेगा आपके डब्ल्यू और एच, मतलब विड्थ और हाइट पे। तो इसकी विड्थ है 210 और हाइट है 190। इसका जब आप हाफ यहाँ पे डालोगे, 190 का हाफ यहाँ पे आप डालोगे 95 और 210 का हाफ 10। अगर मैं ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव रखता हूँ एक्स और वाई की, तो मेरा ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी इस पॉइंट से अप्लाई होगी। देखिए, जब मैं स्लाइडर को 100 की तरफ लेके जा रहा हूँ तो मेरा यह वाला पॉइंट मूव कर रहा है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर रखे हैं कि किस तरफ मेरा एक्स पॉजिटिव होगा और किस तरफ मेरा वाई पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। आपको इस वाले पॉइंट पे ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए एक्स की वैल्यू डालनी है पॉजिटिव और वाई की वैल्यू डालनी है नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पे वाई की वैल्यू डाली नेगेटिव। तो आप देख सकते हो कि मेरे उस पॉइंट से ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप इस वाले पॉइंट पे ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको माइनस एक्स और प्लस की वाई की वैल्यू रखनी होगी। अगर इस पॉइंट पर ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू माइनस रहेगी। और अगर इस वाले पॉइंट पर ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके एक्स की वैल्यू रहेगी 0 और वाई की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव वाई। तो मैंने एक्स की वैल्यू करी 0 और वाई की वैल्यू रखी पॉजिटिव वाई, मतलब कि पॉजिटिव 95। तो मेरा यह वाला पॉइंट फिक्स हो जाएगा। अगर आपको लाइन पर ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो आपको लाइन की हाइट और विड्थ पता होनी चाहिए। तो इस लाइन के हाइट और विड्थ है 1 और 201। इस पर मैंने डबल क्लिक किया। 1 का अगर हाफ करोगे तो अप्रोक्स 0 ले सकते हो, और 201 का हाफ करोगे तो आप उसको अप्रोक्स 100 ले सकते हो। ओके करके जब आप रन कराओगे तो आपकी लाइन पे ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है और ये बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह वर्क कर रहा है अभी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 360 डिग्री मूवमेंट। अगर आपको इस वाले पॉइंट से ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो उस केस में आपको ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वो नेगेटिव वाई होता है, तो आप यहाँ पे नेगेटिव 100 रख सकते हो, माइनस का 100। तो यहाँ पे आपके ऊपर वाले पॉइंट से ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। अभी तक हम स्लाइडर बना बनाया लेते थे। ऑटोमेटिक स्लाइडर की जगह अगर हमें मैनुअल स्लाइडर क्रिएट करना है या बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लाइन का ऑप्शन है।
लाइन पे क्लिक करके आपको लाइन ड्रॉ करनी होगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद में आप उसको इस तरीके से डार्क कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लाइन का ऑप्शन आएगा। लाइन डार्क करने के बाद में आपको यहाँ पे एक पॉइंटर चाहिए होगा स्लाइडर के लिए, तो पॉइंटर के लिए मैं कोई भी ऑब्जेक्ट चूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने राउंडेड रेक्टेंगुलर चूज़ करा और पॉइंटर को ऊपर की तरफ कितना मूवमेंट करवाना है, वर्टिकल मूवमेंट, अपसाइड कितना करवाना है, वो डिपेंड करेगा मेरी लाइन की हाइट पे। तो मैं चेक कर सकता हूँ मेरी लाइन की हाइट है 223, तो मुझे पॉइंटर पे डबल क्लिक करना है, स्लाइडर प्रॉपर्टी में वर्टिकल स्लाइडर चूज़ करना है, यहाँ पे टेक नेम देना है, यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट ऊपर की तरफ कितना करना है मुझे 223, और नीचे की तरफ कोई मूवमेंट नहीं करना है तो 0। मेरा स्लाइडर 0 से स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ 100 तक जाएगा, ये मेरे स्लाइडर के डिवाइडेशंस पॉइंट्स हैं। तो मेरा स्लाइडर 0 से 100 तक का बन चुका है। ओके, जब आप रन कराओगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आपके स्लाइडर की तरह ही वर्क करता हुआ दिखाई देगा, 0 से 100 का स्लाइडर। ये तीनों आपस में इसलिए कम्युनिकेट हो रहे हैं क्योंकि तीनों के टेक्निक सेम है। अगर आप ये पुराना स्लाइडर डिलीट भी कर दोगे तो भी आपका काम करता रहेगा। उसको डिलीट करने के बाद में मेरे पास एक प्रॉब्लम आती है कि मैं किस तरीके से अपनी वैल्यू चेक कर सकता हूँ कि मेरा स्लाइडर कितने पर रन कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको वैल्यू डिस्प्ले करानी है अपने स्लाइडर की, मैनुअल स्लाइडर की। तो टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हैश टाइप करना होगा और इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन है वैल्यू डिस्प्ले प्रॉपर्टी का, इसमें एनालॉग पर क्लिक करिए, टेक नेम दे दीजिए एस फॉर स्लाइडर और ओके। जब आप एनालॉग स्लाइडर के लिए वैल्यू डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाते हो तो आप चेक कर सकते हो अपने मैनुअल स्लाइडर के वैल्यूज़ कि अभी मेरा स्लाइडर 50 पर है या 60 पर है या 80 पर है। ये थी आपकी स्लाइडिंग प्रॉपर्टी। तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से हम मैनुअल स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट पर ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और जिन लोगों ने अभी तक इसका डाउनलोड नहीं किया है वो मेरा वीडियोस देख सकते हैं, मैंने हाउ टू डाउनलोड स्काडा भी वीडियो बना रखा है, उस पर आपको लिंक भी मिल जाएगा कि कहाँ से आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।